नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे आधुनिक भारत की। ये आधुनिक भारत का भाग वन होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कि ये फाइल हमको शेयर करी है मिस्टर रचित शाहू ने। इनका मानना ये था कि इस पीडीएफ को जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम के द्वारा कई लोगों तक पहुंचाया जाए। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। आई होप इस प्रयास में आप भी हमारी सहायता करेंगे नोट्स बना करके। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, इस वीडियो को पॉज करिएगा और जब तक एक एक क्वेश्चंस का आपको आंसर याद ना हो तब तक इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को दो बार प्ले करिए, तीन बार प्ले करिए। रचित शाहू जो स्टूडेंट है, काफ़ी मैच्योर स्टूडेंट है। मैंने इनसे फ़ोन पे बात भी करी थी और इनके अंदर जो झील है उससे साफ जाहिर होता है कि ये कितने सीरियस स्टूडेंट हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के, तो आप भी प्लीज़ सीरियस तरीके से तैयारी करिए। और बहुत जल्द ही अगर आप सीरियस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपकी जॉब लगना श्योर है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, आधुनिक इतिहास में पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है यूरोपियन कंपनियों से। यूरोपियन कंपनी क्या थी, कब आई थी, इसका पुराना नाम क्या था, इसका नया नाम क्या था, उस टाइम पे अंग्रेज कौन सा था, यूरोपियन कंपनी जो भारत में आई थी किस जहाज के द्वारा आई थी, काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। ये क्वेश्चन उन बच्चों को अच्छे से आते होंगे जिन्होंने लुसेंट जीके की बुक खत्म करी होगी, ढंग से फिनिश करी होगी। अगर आपने वो बुक नहीं भी पढ़ी है और टाइम बहुत कम है तो आप डायरेक्ट इस बुक को रीड कर सकते हैं, मार्केट से ये बुक परचेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक का लिंक दे सकता हूँ आपको, आप वहाँ से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। जहाँ से आपको सुटेबल लगे वहाँ से इस बुक को परचेज कर लीजिए। अगर फाइनेंशियल आप बहुत वीक हैं तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को प्ले करिए और ध्यान से अपने नोट्स बनाइए। उन नोट्स के माध्यम से भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आप परचेज ही करें, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमसे कहता है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। कहाँ पे निर्मित की बात कर रहा है ये हमसे कर रहा है कलकत्ता की बात। वहाँ पर जो दुर्ग था उसका नाम क्या था जो अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, उसका नाम था फोर्ट विलियम। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। और ये कब बनाया गया था, क्या बनाया गया था, उसकी डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं। मैं डिटेल में इसलिए रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत अधिक हो सकती है। इस बुक में एक्चुअली 400 से 500 पेज से ऊपर है। अगर मैं 500 पेज की डिटेल अगर मैं रीड करूँगा प्यारे बच्चों तो तब क्या होगा, सोच जरा। ये बुक 1.5 साल में ख़त्म नहीं हो पाएगी, 1.5-2 साल इस बुक को ख़त्म करने में लग जाएंगे। इसलिए आप भी थोड़ा कष्ट करिए अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तब तो आप डिटेल पढ़ लीजिए। अगर आप केवल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए केवल ये ऑप्शन पर आप फोकस करिए बस। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे कहता है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है उसका नाम क्या था। उसका नाम था रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर थ्री, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। राइट आंसर है इसका सूरत। और ये कब स्टार्ट हुआ, ये हुआ था 1611 में। क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे कहता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी, सूरत में। देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहा है, जैसे कि पहली फैक्ट्री कब स्थापित करी थी या पूछेगा प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सूरत 1611 में परमिशन मिली थी, 1613 में स्थापित हो गया था कारखाना। और परमिशन किसने दी थी, जहांगीर ने। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लेता है। इस वीडियो को पॉज करिए, इस पूरे सेंटेंस को आप रीड करिए 1613 से लेकर के इस एंड तक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है, कौन सी फ्रेंच बस्ती नहीं है ये हमसे पूछ रहा है। तो पांडिचेरी नहीं है, या फिर माहे नहीं है, गोवा या फिर चंद्रनगर। गोवा की विजय
अल्बू कर्क द्वारा 1510 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और 1530 ईस्वी में यह पुर्तगाली मुख्यालय बना था, इसमें फ्रेंच का कोई भी लेना देना नहीं था, गोवा पर पुर्तगालियों का ही अधिकार था। पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर ये फ्रेंच बस्ती थी, गोवा नहीं थी। पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर ये तीनों क्या थी, ये फ्रेंच बस्ती थी, लेकिन कौन सी नहीं थी हमसे ये पूछ रहा है। अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बात कर रहा है नहीं की, तो नहीं में क्या आएगा, गोवा। गोवा किसकी बस्ती थी, पुर्तगालियों की। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। देखिए उपनिवेश क्या होता है, हमको ये पता होना चाहिए। उपनिवेश वो होता है जब कोई साम्राज्यवादी देश किसी दूसरे देश पर कब्जा स्थापित करता है। जैसे कि आपका कोई एरिया है, जिस शहर में आप रहते हैं आप उस शहर के मालिक हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने पड़ोसी शहर पे भी कब्जा स्थापित करें। तो जब आप उस स्थान पे कब्जा स्थापित करेंगे, वो नया स्थान जहाँ पे आपने कब्जा स्थापित करा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उपनिवेश। किसका, वो उपनिवेश कहलाएगा आपका, ठीक है। आप क्या हो गए, साम्राज्यवाद, जिस पर आपने कब्जा करा वो स्थान आपके लिए क्या हो गया, उपनिवेश। ये होती है उपनिवेश की परिभाषा। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, डच ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ पर करा, किसको अपना उपनिवेश बनाया, किस क्षेत्र पर अपना अधिकार करा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसका नाम क्या था, उसका नाम था मसूली पट्टनम। क्वेश्चन नंबर 6, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है कासिम बाजार। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही काला अनुक्रम क्या था, क्रॉनिकल ऑर्डर उसका क्या था। उसका सही ऑर्डर था सी, सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। देखो आपको ये याद नहीं करने हैं, आपको याद करने हैं इसके साथ ईयर, साल, वर्ष, कि सूरत में कब उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करा, 1613 में। उसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्यवाद थोड़ा थोड़ा फैलाया, अपना व्यापारिक केंद्र को बढ़ाया 1639 में। मद्रास में केंद्र बनाया, फिर बनाया मुंबई में, फिर बनाया कलकत्ता में, ठीक है। ये सभी आपको नोट करने हैं, ये सभी आपको याद करने हैं। कभी कभी वो पूछ लेता है कि कलकत्ता में अंग्रेजों ने जो व्यापारिक केंद्र स्थापित करा वो किस वर्ष करा, तो आपको याद होना चाहिए 1698 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में आलू की फसल शुरू की थी किन्होंने। भारत में जो आलू का जो उत्पादन हुआ था, इसकी जो फसल या फिर खेती होती है, वो किसने शुरुआत करी थी, ये किसकी देन है, ये देन है पुर्तगालियों की। और कौन सी सदी में हुआ था, ये हुआ था 17वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 10, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया। पुर्तगालियों ने कह रहा है, ठीक है, ये फोकस रखना, पुर्तगालियों की बात कर रहा है, भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया किस राजा के प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है कोची। पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण कोचीन में 1503 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 11, कि कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये देखिए स्टेनोग्राफर में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 2010 के स्टेनोग्राफर में जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको पेन डाउन करिए, अभी याद करिए। इसका राइट आंसर है आपका डी, पुर्तगाल। देखिए 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, उस समय थे चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ हुआ था, जिसका नाम था कैथरीन, ठीक है ना। इससे इनका विवाह इनके साथ हुआ, उसके बाद में दहेज जो मिला वो मिला पूरा मुंबई, मुंबई शहर पूरा दहेज में दे दिया कि आप
चाहो तो इस स्थान पे व्यापार कर सकते हो। आप इस स्थान के साथ जो मर्जी कर सकते हो। यहाँ पे रहने वाले लोग आपकी सेवा करेंगे। आपका जो व्यापारिक जो भी केंद्र होगा स्थापित होगा, उसमें आप वहाँ के लोगों को मजदूर के रूप में कार्य ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस कई तरीके से बन सकते हैं। किसने किसके साथ साथ मैरिज करी जिसके बाद में मुंबई क्या मिला, दहेज में मिला। किसने किसको मुंबई दहेज में दिया, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। राजकुमारी का नाम क्या था ये पूछ सकता है, या फिर राजा का नाम क्या था, सम्राट का नाम क्या था, या दोनों का विवाह किस वर्ष हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये पूरी लाइन, ये पूरा का पूरा जो कॉलम है पूरा इम्पोर्टेंट है। इसको एज इट इज बिल्कुल डिट्टो आप कॉपी करिए, पेन डाउन करिए, राइट डाउन करिए और याद करिए। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। इसका राइट आंसर है 1664 में, और उस वक्त वहां के सम्राट कौन थे, लुई 14 के शासन काल के दौरान उसके प्रसिद्ध मंत्री कौन थे। प्रसिद्ध मंत्री थे कॉलबर्ट, लेकिन आपको याद रखना है उस टाइम पे वहां के सम्राट कौन थे, सम्राट का नाम, और किस वर्ष हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। उसका राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 15, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। प्रथम यूरोपीय कौन थे भारत आने वाले, ऑप्शंस में एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों को। क्वेश्चन नंबर 17, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने करी थी। इसका राइट आंसर है ए, वास्को डी गामा। इसके बारे में आप पूरा का पूरा ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के बता भी रहा हूँ कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वह सर्वप्रथम भारत में 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर इसी मार्ग पर आया था। कालीकट के तट पर जो पहुंचा था वास्को डी गामा, वो समुद्र के मार्ग से ही आया था। इस मार्ग का नाम क्या रखा, केप ऑफ गुड होप। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे कौन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर डच। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और ये काफी लंबे समय तक रुके और सबसे बाद में यहाँ से गए। देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्र में वे सबसे बाद में गोवा से गए थे। गोवा से इन्होंने अंतिम अलविदा ली थी, वो ली थी 1961 में। देखिए आए कब थे, 1498 में, और गए कब थे, ये गए थे वापस 1961 में। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, पुर्तगालियों का। ये एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको स्किप नहीं करेंगे। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या आपको समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों यूरोपीय कंपनियों के बारे में बस आज इतना ही। मिलता हूँ आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और हमारा जो भी प्रयास है, अगर आपको पसंद आया हो ये चैनल तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। लेता हूँ आपसे अलविदा, और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारी और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।